नमस्कार, मैं साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं देश की राजनीति का क्या है हाल। बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे जीवीएल नरसिम्हा राव पर फेंका गया जूता। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच गुरुवार को दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे पार्टी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव पर एक शख्स ने जूता फेंक दिया। उसे हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार प्रेस वार्ता मालेगांव ब्लास्ट मामले की आरोपी साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिए जाने को लेकर थी। पीएम मोदी नकली ओबीसी है, पीएमओ ने एक भी ओबीसी अफसर नहीं। तेजस्वी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, प्रिय नरेंद्र मोदी जी, आप जन्मजात नहीं नकली ओबीसी है। उन्होंने कहा, जन्म से लेकर 55 वर्ष तक वह अगड़े थे, फिर एक दिन अचानक पिछड़े बन गए। तेजस्वी ने कहा, पीएमओ में एक भी अधिकारी देश में कोई कुलपति प्रोफेसर किसी संवैधानिक संस्था का निदेशक ओबीसी नहीं है। पश्चिम बंगाल, पेड़ से लटका मिला बीजेपी की यूथ विंग के सदस्य का शव। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया स्थित गांव में गुरुवार को बीजेपी की यूथ विंग के एक सदस्य का शव बरामद किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, पता लगा रही है कि यह आत्महत्या है या हत्या। प्रदेश बीजेपी के महासचिव सुभद्रा चट्टोपाध्याय ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाया है। तो देश की राजनीति में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।